अच्छा राम राम। भाई राम राम। राम राम भाई। अरे सोनू आजा बैठ। चाचा ना आया? अरे वे तो मनाली गए घूमन। अरे बहुत दूर गए, यहीं ना घूम लेते गांव में। क्यों खर्चा करवाया और बता कैसे आना हुआ? अरे वे पैसे चाहिए थे, पापा चेक पे साइन करके ना गए। वे नू कह रहे थे कि हरिओम से लिए पैसे, 2 लाख है, तू 1 लाख ले आइए। हैं 2? मेरा तो 1 लाख का फायदा हो जाएगा, तो 2 ही दे देता हूँ फटाफट। अरे भाई तू पूरे 2 ले और बात खत्म। पर मुझे तो 1 चाहिए थे। अरे पूरा हिसाब हो जाएगा, एक बार तो चाचा से बात करवा दे। तुझे मुझ पे विश्वास ना? अरे भाई पैसों का मामला, तू बात करवा दे। अरे ले लिए पैसे? है जी। हरिओम तो पैसे ले लिए? हाँ जी। अरे ला तू मेरी बात करवा। हेलो चाचा राम राम। हाँ राम राम बेटे, राम राम। अरे पैसे दे दिए? हाँ जी। ठीक है तो ठीक है बेटा। थारी आवाज कैसे बदल दी चाचा? ओ बेटे यहाँ मनाली में बर्फ पड़ रही है ना, चल लौंडे को पैसे दे दिए। हाँ जी दे दिए। अच्छा कितने दे दिए? पूरे दे रहा मैं। ठीक है बेटा ठीक है। ठीक है जी ठीक है, राम राम। अच्छा भाई राम राम। अच्छा भाई राम राम। कहाँ है सोनू आज? 10 बज लिए। कमरे में देखूं। अरे ओ लाड साहब 10 बज लिए, उठ जा, कब तक सोएगा? 10 बज लिए तो क्या करूं मैं, सोन दो मुझे, मैं तो 12 बजे उठूंगा। तेरे 12 मैं बजाऊंगा। ए भाई तू हरिओम से 2 लाख रुपए लेके आया? अरे कैसे करवा के रहेगा तू, तेरी तो हिम्मत है नहीं, जरूर यू प्रदीप तेरे गैर होएगा। ले आ जान दे उसे प्रदीप को भी, मैं देखूंगा उसे। अरे अब कहाँ चल दिया? कहीं ना जा रहा, हल्का होने जा रहा हूँ। अरे ओ हल्का हो या भारी, जल्दी आ जाइए। ओ लाड साहब सुबह सुबह बिना नहाए धोए कहाँ चल दिया? कब सुधरेगा ये लोंडा, इसने तो हमारा पागल बना रखा है। ले ले बेटा ले ले, कब तक मजे लेगा? किसी दिन तेरा ऐसा राह बांध दूंगा याद करने लायक। तू क्या समझ रहा है अपने आप को, ज्यादा बड़ा धनी सेठ है, हर रोज छुट्टी मार लेता है, क्या समझते हो अपने आप को? अजी मेरी तबीयत खराब होगी थी। ये नहीं बहाना चलेगा, सारा पता है मुझे तुम बहाने मारते हो रोज। दोस्त का चक्कर छोड़ दो, अपने काम धंधे पे ध्यान दो, उसके बाद आपके पास बहुत दौलत है, तेरा क्या होगा? लाला जी दोस्ती से बढ़कर कुछ भी ना है। बेटा मतलब निकले पीछे कोई दिखाई नहीं देता, मैं उसके बाप को 30 साल से जानता हूँ, बहुत हरामी है वो। पर मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। बेटा मैंने दुनिया देख रखी है, ये यारी का चक्कर छोड़ दे, अपने काम पे ध्यान दे। मेरा दोस्त कोई अमीरी गरीब भी नहीं देखता, और दोस्ती के मामले में पैसे कोई अहमियत तो मानता ही ना वो। कभी तुझे पता चल जाएगा हरामी के बारे में। लाला जी मेरे दोस्त को हरामी मत कहो। दोस्त होगा तेरा, मुझे क्या लेना साले से। बस लाला जी हम चले अपने घर को, जिस तक काम कराना उस तक करवा लियो। हाजी जनाब। अरे मिस्त्री साहब। कहो जी। ये जो बंथला फाटक है ना, यहाँ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है, भेज दोगे किसी को? जी भेजता हूँ फटाफट। अच्छा ठीक है अभी भेजता हूँ। उस्ताद जी सिंधी गाड़ी है, आग लग जाएगी। सिंधी गाड़ी। अबे फटेगी तो गाड़ी फटेगी, भारत के मुंह फट रहा। बेटा प्रदीप बंथला फाटक पे चले जाओ, सेठ जी गाड़ी खराब है उसे ले आओ, 2 पैसे तुम्हें बच जाएंगे, 2 पैसे मुझे बच जाएंगे। मन ने बदल लिया कपड़े, मैं जा रहा हूँ अपने घर। मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूँ, 2 पैसे का फायदा हो जाएगा, तुझे मिल जाएंगे मुझे मिल जाएंगे,
मेरी मोटर ले जा, लटोरी के साथ ले जा और चले जाओ। अरे यार ठीक है, शाम को दो पैक फालतू मार लेंगे, चल जल्दी, समझ बात को। पहले कुछ खर्चा पानी तो दो। बोनी तो जान दे, सुबह सुबह का टाइम है, कुछ करके तो लाओ। अजी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। लो जाओ। और सेठ जी एक बात बताऊं, बहुत प्यारी, सबसे ज्यादा है हमारी यारी। सुन एक काम कर, पान उठा ले, कुछ दिखाना तो पड़ेगा वहाँ, जल्दी कर लटोरी। अरे जल्दी आ, ठेका भी तो बाहर देख रहा, बियर भी चिल्ड मिलेगी। हाँ। अरे कहाँ रहेगा साला, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अजी सेठ जी फोन तुमने करा था? मिस्त्री साहब फोन तो मैंने किया था, इतना टाइम लगता है क्या आने में? सारा दिमाग खराब होगा, एक तो गाड़ी खराब हो रही है, तुम्हें पता कितने का नुकसान होगा मेरा। ओ सेठ ठंड रख ठंड, गर्मी तेरे तो ज्यादा है हमारे में। कर ले अपनी को अपने आप ठीक। अरे नाराज मत हो यार, देख वैसे गाड़ी खराब होगी है, सारा दिमाग भी खराब होगा, एक बार देख ले प्लीज। मेरे तो आगे तो पंगा मत ले लिए, बता रहा हूँ मैं। ला रहे दिखाइए। कुछ पता चला क्या हुआ? अरे सेठ जी रुको पांच मिनट। अरे ऐसा है, स्टार को जोड़ ले, निकल ले ऐसे। तेरे दांत तोड़ दूंगा, तुझे दिख ना रहे सेठ कितना बढ़िया मुर्गा। अरे दो चार रुपए तारण देगा ना तारण देगा इससे। अरे भाई साहब आपस में ही बड़बड़ाते रह गए, कुछ बताओगे भी क्या हुआ? हो रही है जी हो रही है। सेठ जी गाड़ी में ना तेल। तेल ना है, क्या बात कर रहा है यार, यार आधी टंकी भरी पड़ी है। और जी जब यू कह रहा खत्म है तो खत्म ही है। और तुम इसके चक्कर में मत ना हो, या खराब है तो खराब है, जब हम बता रहे हैं तो। यार ये क्या बात हुई, कोई तरीका है? देखो अगर तुम्हें ठीक करवानी है तो तुम 2000 रुपए दो, मैं तेल लेकर आऊं, बाकी मैं देख ही लूंगा। दे 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 दो। अरे यार कम से कम नहीं चल जाएगा क्या? सेठ जी कम गिरवाओगे फिर खत्म हो जा रहा होगा, वैसे तुम कम तेल गिरवाओ। ले तेल लेगा और जल्दी ठीक कर दे इसे। लटोरी हाँ। एक काम करिए हाँ। देख सामी फाटक द्वारा वहीं हुक्का हाँ। चाय का, सेठ जी को बेहतरीन वाली चाय पिलवाना और मैं आग लग रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलो आओ जी आओ। भाई थोड़ा जल्दी आइयो। हाँ जल्दी आऊंगा जी। हाँ आ जाओ आ जाओ, चाय पियेंगे। चाय अच्छी मिलती है ना? बहुत ही बढ़िया चाय मिला जी यहाँ तो, मैं तो बचपन से ही पीता आ रहा हूँ यहाँ। हाँ ठीक है पिया तुझे चाय, मैं भी देखू के करना। तेरा दोस्त कब तक आएगा? अजी काम के मामले में पक्का है, पूरा काम ही करके आओगे, उसका नाम दूर दूर तक है मिस्त्री झोला छाप। मेकअप तो हो गया, चल फोन कर लूं। देख उसी का फोन आया होगा, देख उसी का ही है ना। हेलो। अरे गाड़ी ठीक होगी? लिया सेठ जी को? बस आ लिया। चलो सेठ जी गाड़ी ठीक होगी, चलो हो गई, चल चल आओ। चल आने वाला होगा। अरे सेठ जी कहाँ रह गया, यू मेकअप भी तुझे 2000 रुपए का पड़ेगा। होगा भी गाड़ी ठीक? हाँ जी होगी गाड़ी ठीक, पर इन्हें तो मेरी जान निकाल ली, इसकी तो पूरी सर्विस करनी पड़ी जी। क्या रही पंगा था? हाँ 2000 रुपए और लगे हैं। 2000 और लगे? हाँ जी दे दो। अरे यार भाई साहब स्टार्ट तो हो जाएगी, बंद तो नहीं होगी रास्ते में? आप तो इसे कहीं रोकोगे भी ना तो जब भी नहीं रुकने की। अरे भाई इसमें तो डिस्काउंट दे दो थोड़ा बहुत यार। ऐसा है जी सेठ जी, तुम 1950 दे दियो। अरे यार मार तो दिली ऐसा, क्या करें लटोरी। वो चाय के भी पैसे मैंने दिए थे, पकड़ तू, कोई बात नहीं चाबी दे दिला। ठीक है सेठ जी, चाबी उसमें लग रही है। चाबी उसमें? ठीक है भाई। बंद कर भाई। अभी से तो बंद कर दे या मैं करूं? 4000 रुपए ले लिए खाम खा। हटाना छोड़ 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 दे। अच्छा सेठ जी ओके, तू तो शुक्र है रोटी ना खाई। चलो चल भाई लटूरी। अभी क्या अब करेंगे मौज। हाँ
ठीक झाड़ी बनेगी बन गई ना झाड़ी चल अरे हटा लो आगे से। हाँ हटा रहे जी ठीक है अच्छा ठीक है के हो गया अरे यू सारा मोबाइल कूद रहा है अरे तू इसके दर्द को देख पहले अबे साले कहाँ है तू मैं तेरे दिल में हूँ अरे कहाँ तक पहुँच लिया तू मैं तो बाबा पे आ लिया बीरपाल की चक्रोड़ के धोरे ही खड़ा हूँ तू यहाँ आ जा आ लिया बस चल पता ना क्या आफत आ रही है बुरा राज यू परेशान है परेशान आत्मा अरे की बात होगी क्यों सड़ा सा मुंह बना रखा है अरे यार आज फिर वही काम होगा तेरी वजह से आज मुझे फिर डांट पड़ी अरे ये तो रोज का काम है कोई नई बात हो तो बता नई बात के तेरा यार आज फक्कड़ है जेब से खाली अरे तू दिक्कत क्यों मान रहा है तेरा भाई है तो तेरा पैसा यार हुड़क सी उठ रही है तो चल घर ना यार तेरे घर नहीं जा रहे क्यों के बात होगी अरे मेरे बाप ने खबरी छोड़ रखे हैं सारी खबर दे हुए उसे कह तो तू ठीक रहे यार एक काम कर रहे हैं लटूरी घर चल रहे हैं ओ भैया यार मैं तो किराए पे रहूं किराया हम दे देंगे के बात होगी पर वहाँ पीना पाना ना होने का फिर के फायदा अरे बाहर पी के चल रहे यार मेरा फजीता करवाओगे मेरा ताम झाम बाहर फेंकवाओगे कुछ भी ना अरे चुप अरे यार यू तो नुई बड़बड़ करता रहे तू एक काम कर रहे तू बाइक पे आ जा प्रदीप तू मेरी गैल गाड़ी में चल ले तू गाड़ी चला यार मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है चल चलो भाई चलो अरे मेरे ससुरे बुलेट देंगे मुझे ही चलाया घर पे पर हाँ यार चला तो मैं लूं आई इसे भी यस भाई कैसा जमाना आ गया एक रईस ज्यादा यू अरे यू गरीब दोस्त अरे मैं फुटल एक जगह बैठ के दारू पिए वही जगह पक्की दोस्ती आज साले उस सेठ को ऐसा काटा साले को पता भी नहीं लगी पर यार ऐसे नहीं करे करते किसी की गैल इतना बड़ा धर्मात्मा बने तुझे क्या पता दीन दुनिया के पागल कहीं का ओ लटूरी हाँ भाई अरे कुछ चखना है के चखना भाई चखना तो याद ही नहीं रहा न्यू ही पी लग रहे हैं हम तो पीने वालों तो नमक से पी रहे अरे पानी पिया पा के तुमने तो मेरी टंकी कर दी फुल यार मेहर पे ना पिए डारी बिना चखने के यू लेके आता बन रहा तू रही ज्यादा चखने के तेरे पैसे नहीं मैं टंकी खाली कर गया हूँ ऐसे हूँ मीनू गाड़ी रोक अरे क्या हुआ शुशु आ रहा है क्या चल क्यों क्या हो गया यार गाड़ी मैं चलाऊंगी यार तूने किसी को मार वार दिया तो अरे नहीं यार मेरा गांव आने वाला है मैं गाड़ी चलाऊंगी ना तो अच्छा लगे यार कुछ हो गया तो तू है ना तू संभाल लियो यार तू भी बड़े वाली है चल कोई बात नहीं आ जा तू भी चला ले गाड़ी चल अरे यार लटूरी हाँ भाई यू गया इसकी टंकी खाली ना हुई अभी पता ना एक काम करूं हाँ? मैं देखूंगा इसे जाके अच्छा अरे एक काम करिए तू जा तो रह आइए हाँ कुछ खाने का ले आइए और जो तुझे कुछ ना मिले ना हाँ तो हाथ मोला दे लेते आइए हाँ? देखूंगा
आय हाय छी, चला ले गाड़ी, ठोक दिया ना आदमी। इसको भी यही जगह मिली थी क्या गंदा करने के लिए? अरे ये तेरा गांव है, मेरा शहर नहीं। चल देखते हैं उसको। वह कौन है भूतनी के टक्कर मार दी? ओए आंखें खोल के देख, ज्यादा बकबक ना करे। इस लड्डे को क्यों उठाओ फिर तुम? जब तक मैं दिखाई ना देता तो मेरे टक्कर मार दी। टक्कर मैंने ना मारी, मेरी गाड़ी ने मारी है। और हाँ, इसे सड़क पे मूतने वाले कतई पसंद ना। ओ फुलझड़ी, ऐसी गाड़ी में रोज सुधारूं, इसका ऐसा हाल करूं मैं कोई ठीक भी ना कर पाने का। ओ गाड़ी के मिस्त्री, गाड़ी को हाथ लगाने से पहले तुझे मुझसे उलझना पड़ेगा। मैं झोड़ में गिर के मारूंगा। तेरे जैसे तो रोज देखूं मैं। आज मैं तुझे देखूंगा, असली मर्द बताऊंगा क्यों है। ओ धरती धके। अरे यार अब यू क्या करन लगा, यू किसकी गैल भिड़गा? जा पहले नहा के आ। के करी नहा के आऊं? तेरे वही हाल करूंगा जो मेरा हो रहा है। अरे के हो रहा है यू? अरे अब जो भी हो प्लीज इनकी लड़ाई रुकवाओ, इनको ले जाओ यहाँ से। अरे मैं बोल रही हूँ प्लीज हेल्प मी, इनकी लड़ाई रोको। जी आपने कुछ कहा मुझसे? अरे मैं बोल रही हूँ प्लीज हेल्प मी, इनकी लड़ाई रोको। तुम चिंता मत करो मैं रोकता हूँ। अरे रुक जा यार, लड़की है, थोड़ी सी तो शर्म कर। अरे लड़की तो मेरे सिर पे चढ़ेगी। मैं तेरे सर पे चढ़ जाऊंगी, तेरे बाल उखाड़ के तुझे गंजा कर दूंगी। ओ बंदरिया तेरी चोटी काट दो, मेरे धोरे भी आई तो। अरे प्रदीप यार मान जा, माफ कर दे, इनसे गलती होगी। इनसे गलती होगी? तू मेरी साइड इनकी साइड है? अरे यार मैं तो लड़ाई को निपटा रहा था, मैं तो खत्म करना चाह रहा हूँ लड़ाई को। मैं निपटाने लड़ाई, हमें लड़नी है जंग, या तो आज यार है या मैं रहूंगा। मुझसे टकराने के लिए जिगर चाहिए बच्चे। सोनू तू मुझे छोड़ दिया जिसका बखत खराब है। मीनू गलती मेरी थी, गाड़ी मुझसे लगी है, प्लीज चल यहाँ से। चल पायल इन जैसों को सबक सिखाना जरूरी है। अरे तू छोड़ दे मुझे, इसकी दादागिरी काटनी जरूरी है आज। चल की समझ रही अपने आप को। अरे यू तू चली यार, ठीक कर देता इसे मैं आज। अरे तू चली यार, इतने रैप्टे मारता इसके मैं आज, तो तू ना होता तो आई चल के रेक्टो सी। देख कैसी है भुंडी सी गल की, चली जाना मेरे हाथ से मर जाएगी। अरे तू चल तो सही। अरे तू कैसे यार है, उसने मेरे टक्कर मारी तू उसकी होड ले रहा है। अरे यार छोड़ चल तू इन सब बातों को, चल मौज ले तू। देख ली तेरी यारी, बेटे लड़की मिली तो यार को भूल गया। अरे कौन सी लड़की मिल गई? वो शराबत की मूरत, वही लड़की जिससे तू नैन मटक के कर रहा था। अरे मैं ना कर रहा, वही कर रही थी। ठीक है भाई ठीक है ठीक है, लड़की मिल तू ही, यार को भूल गया, बहुत बढ़िया। अरे भूलता तो मैं उसकी गैल ना चले जाता, तुझे बचा के क्यों लाता मैं? तू रहा बचा के, यार होता तो वही टटके मुकाबला करता तू मेरी गैल उनका। अरे उन लोंडियान के कौन मुंह लगे, चल तू लटूरी के दौरे चल रहे हैं। चल आंख तो तू लड़ा रहा बेटे, ठीक है यू ही काम करवाओगा तू मेरी गैल, खूब नहीं करवा तू मेरी गैल। अरे तू शांत रह गदाधारी शांत। अरे भाई कैसे लड़ रहे हो, किस बात पे लड़ाई हो रही है? अरे बैठ जाओ यहाँ को पढ़ो। इसने मेंटल ने हाथ में तो आया हुआ शिकार निकटवा दिया। ए? मैं उससे 2-4 हजार रूपए तार लेता, कुछ तो खर्चा चलता ही। मांगे पर यहाँ बैठ के पुटिंग, कहाँ तक लाऊं तेरी पुटिंग? भाई मेरी बात सुन लो, कदी कदी ऐसा भी हो जा के बंदरों की लड़ाई में कुत्ते फाड़ा रह जा और कौवे बिरयानी खा ले। काम की बात करो, अब काम की लड़ाई बंद करो। मेरे यार तू सुन, चल छोड़ इन सब बातों को, तू अपना हुलिया ठीक कर। हाँ? अलटूरी के घर पे चले। तू एक काम कर, तू फोन कर लीलू को, तेरे बैग में मेरे लगते धरे हैं, वो उठा ला आपका और जब तक इसे खत्म कर लो। भाई तुम घना टाइम लगाओगे? तू एक काम कर, जो बच रही है ना इसे खींच ले और फिर चल देंगे, इतने लगते कपड़े भी आ जाएंगे, बैग आ जाएगा हमारा। हाँ हाँ इस काम को कर ही लो। भाई तुम अपनी देखो, मैं तो अपनी खींच रहा हूं। हाँ लीलू तू एक काम कर, मेरा बैग लेके आ जा। हाँ चल भाई लटोरी। हाँ कुछ खाने का इंतजाम कर ले। ओ भाई मुझे तो कर दो माफ, तुम अपने आप बनाओ
और अपने आप खाओ। और भाई मुझे तो आ रही नींद। और नू कह रहे हैं नू के जो मैं कमेंट्स कर दूं मेरा बाप भी नहीं सुनता। मैं तो अपने बाप वगैरह सुनता हूँ, मुझे आ रही नींद। मैं सोऊं, जयराम जी की गुड नाइट। ओ भाई ऑनलाइन ऑर्डर करवा के मंगवा ले खाना। ओ सेठ जी के औलाद, यू शहर ना यू है गांव, तेरे बाप ने होटल खोल रखे हैं। अच्छा हमें नहीं पता थी, भाई की दावत में भूखा मरना पड़ेगा। कम बोल ले यार, कुछ सोच तो लेने दे। सोच लिया, अब यहाँ होटल खुलवाना। थोड़ी देर चुप रहेगा तू। यार लटूरी ने भाभी तो मिलवाया था, भाभी कुछ जुगाड़ करेगी रोटी की। अब के भाभी वहां कढ़ाई चढ़ाओगी? अरे यार मेरे भाई कुछ तो जुगाड़ होगा, तू मान तो जा। तू दिक्कत क्यों मान रहा, दावत तेरे भाई की है, तुझे भुक्का थोड़ी मारूंगा मैं। सोच ले कभी दोनों को ही पिटवावे। अरे यार तू चल तो सही, अब बनाओगे हम प्लान बी। अच्छा चल यार, यार के लिए तो यू भी सह लेंगे। अरे यार यू के था प्लान बी। अरे ऐसी तैसी में गया प्लान बी। बेटे लटूरी तू सिगरेट पी। तू ही आगे चल, तू ही रहा बिठा ले। भाभी राम राम। राम राम तो ठीक है, अब ये बताओ तुम दोनों यही रहोगे क्या? अरे भाभी रहना तो ना था, पर तमें देख के मैं नू लग रहा मैं यही रहना पड़ेगा। मेरे में ऐसा के है? अरे भाभी हीरे की परत तो जोहरी को हो, तमें के पता तम के चीज हो। ठीक है रहन दो, मैं भी युक्ति की हूँ, सब जानू। के काम है थारा बताओ? अजीब वो कुछ ना, पानी लेने आए थे। पानी तो ऊपर भी है। भाभी मेरी बात सुनो, घुमा फिरा के और मैं दूं सूद दम सूद। के कह रहे हो तुम? अरे जवाब जवाब मेरी भाभी, जवाब देऊ मैं। जल्दी बको, के बकना है? अरे भाभी हमारे यहाँ एक रिवाज है, जब देवर अपनी भाभी तक मिले ना तो कुछ देव है। ऐसा है, खड़े हो और जाओ। भाभी जी तुम गलत समझ रही हो, यू तुम्हें कुछ और भी कहेगा। भाभी मुँह दिखाई का शगुन देना है आपको। शगुन? हाँ शगुन। भाभी मैं अपने घर के रीति रिवाज बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, लो। भाभी जी रख लो, यू कदी कदी बरसे है। मतलब यू तुम्हारी भाभी और हम थारे देवर। देवर भाभी तो लाड़ ना लड़ाऊगा तो कौन लड़ाऊगा? मैं थारे लिए चाय बना के लेके आऊं। अरे भाभी क्यों परेशान हो गए? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है देवर जी, थारे जैसे देवर तो नसीब वालों को मिले हैं। भाभी बात तो ठीक है, पर खाने के टाइम पे चाय? बता सोनू भाभी को परेशान करना सही थोड़ी है। ठीक है खाना ला रही हूँ। अरे लिया तावली जो माल मसाला है। क्या कह रहे हो? अरे मैं नु कह रहा हूँ कुछ ठीक सा बना लाइयो। अरे साले तू मरवा होगा, चुप रहे। मैं क्या करूं, अरे भाभी को तो देख मेरी जवानी सी आ गई। चुप हो जा, चुप जवानी आ रही। वही तो चुप मर ले। एक काम कर तू ही मर भूखा, मुझे तो खानी है रोटी, मैंने कर लिया जुगाड़, खाता हो खा ले। अरे लिकड़ी हत्ते, अरे खा जो ले, क्यों मुंह पाड़ू बैठा। अरे अरे ये बंदरिया या हमारे पीछे पीछे हेलो वाली, आज मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने का। तू हमारे घर में देख तेरा क्या हाल करती हूँ मैं आज। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, ये समझ रही तू अपने आप को। अरे अरे अरे, अरे प्रदीप छोड़ दे, तू लड़ रहे हो, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, तू मारेगा कैसे आज, ये मान ली तू अपने आप को। छोड़ दे,
छोड़ दे पायल, इसको तो आज भी जेल की चक्की पिसवा के रहूंगी। अच्छा, या बंदरिया मुझे जेल भिजवाओगी? ऐसा रहते मारूंगा सिनक निकट देगा तेरा। ये क्या बोल रही है, ये तो पहली बार अपने घर में आए हैं। अभी ये सुबह से तंग कर रहे हैं हमें, आज तो मैं इसे जेल भेज के रहूंगी। अरे मीनू, ये लोग हमारे घर में बैठे कुछ तो बात होगी ना, एक बार बैठ के भाभी की बात सुन ले। देख लूंगी इसको तो मैं। अरे यू इनका घर है यार, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, अभी तू मुझे छोड़, ठंडा रख यार। अरे तू मुझे एक मिनट दे दे, इसे देख लूं अभी। सुनो प्लीज। अरे यार तू सुन तो सही, ठंडा हो पहले। चल ना के मान रही अपने आप को बंदरिया सी। ए भाई, तब मुझे यहाँ रहने लायक छोड़ोगे या नहीं, या मेरा नाश ही करके जाओगे? अरे तू चुपचाप मरा रहे, उस बंदरिये को बिना सबक सिखाए कहीं नहीं जाने का मैं। हाँ देख, इसे देख ले, देख ले इसे। अब मैंने क्या कर दिया यार? अच्छा मेरे तो छुपा रहा तू, उस लड़की तो आंख लड़ा रहा ठीक, यार ना दिखा तुझे बिल्कुल भी, वह लड़की दिख रही तुझे, समझ गया? अरे यार तू मेरे पीछे क्यों पड़गा? बेटे तू कर नैन मटक्का, ठीक है मैं उस बंदरिया को नाच नचाए बिना बिल्कुल नहीं मानने का। ए भैया, तुम मुझे रहने लायक छोड़ोगे कि ना? तू चुप मर जा, मेरी नाक की बात चल रही है, तू चुप रहे, समझ रहा ना? मैं उस बंदरे को बिल्कुल नहीं छोड़ने का। तू नहीं करेगा कुछ भी? मैं करूंगा सब कुछ, तू कर अपनी आस की, और मैं निभाऊंगा दुश्मनी। यार किराया वो लड़का देता है, ये तो आज पहली बार यहाँ आए। यार वो लड़का मेरा दुश्मन है। देख हम गरीब आदमी है, भैया की छोटी सी नौकरी है, बस उसी से घर का गुजारा चल रहा है। यार मैं देती हूँ ना किराया एक साल का, उसको भगा यहाँ से। भैया भाभी नहीं मानेंगे। देख 15 दिन बाद हमें हॉस्टल में जाना है, तो छोड़ ना, चिल कर, रिलैक्स कर। या मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो अपने आप यहाँ से भाग जाएगा। प्लीज छोड़, रिलैक्स कर। यार तुझे पता है कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ए भाई एक बात बता दो, बाथरूम में कौन सा गया? मार के इतनी बदबू आ रही है, बेहोश होने से बच गया मैं। ओ महाराज थम जा, मेरे धोरे ने धरा दिला भी अब, और मैं किसी से पैसे नहीं मांगने का अब। भाई ना मेरा, अरे मेरे यार। अरे हट पीछे, तेने मेरे बाप के सामने मुझे नंगा कर दिया था, और मैं उससे पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगने का। ओ मेरे यार, मेरे भाई। अरे यार गया भाड़ में। सच्ची बात कह दूं? कह दे खसम, कह दे, कहेगा तो तू है ही। ओ भाई तुम दोनों दोस्त हो, मरता हुआ देखना चाहवे के? तू मेरे भाई आखिरी बार साथ दे दे। हाँ दे दे। दुखती रख पे हाथ मत रख, बिना उसके डोके देगा तू, देख ले बस आखिरी बार। मेरी बात सुनिए, मैं भी उस बंदरे को आखिरी बार सबक सिखा जरूर रहूंगा। अरे सिखा लियो, पर मेरी कहानी खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ हेलो, हाँ आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। के बात होगी? भाई मेरी माँ की है तबीयत खराब, मैं जा रहा हूँ गाँव। ओए भैया मेरी बात सुनिए एक बार। हाँ एक काम करिए भाई, अब तो हो रही है रात, और तू तड़की चला जाइए, ये पकड़ 2000 रुपए। ठीक भाई, मेरी बात सुन लो, इस कमरे का ध्यान रखियो, थारी मेहरबानी होगी, इसे मेरे बाद अपना ही कमरा समझियो, और जैसे मैं रहा वैसी रहियो। अरे भैया तेरे कमरे का तो बिल्कुल नक्शा बदला पाओगा, तू दिक्कत मत ना मानने। अच्छा नक्शा हमारा भी बदला पाओगा? अच्छा ओए, अब एक काम करो, रात होली घनी, अब आराम से लौट जाओ, चलो। यार एक बात समझ भी नहीं, इन सालों पर भरोसा करा जा या ना करा जा, कदी यू यही लोन दियो से लफड़ा करता फिर हो जा। आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हो, मना मत करना, हम आपके लिए साड़ी और भैया के लिए पैंट शर्ट लेकर आए, और हाँ ये पाजेब भी। ये पायल किसके लिए है? आइए आइए, आपका भी स्वागत है, हम भाभी के लिए गिफ्ट लेके आए हैं। तू और तेरा गिफ्ट जाए भाड़ में। अरे बड़े प्यार से लाए, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? हसमत पगले प्यार हो जाए। प्यार भाभी से? प्यार यू के कह रहे हो? वो भाभी जुबान फिसल गई, पाजेब ये तुम्हारे लिए ही है।
देख कैसा हंस रही है। भाभी कुछ गलती हो तो माफ कर देना। पायल जा चाय बना ले। ठीक है। क्या हुआ? रुक, फिक्की बना। क्यों? मैं कह रही हूं ना, फिक्की बना। फिक्की एक कप में डाल। दो कप में चीनी डाल ली है। और एक में नमक। अरे पागल हो गई है क्या? अरे तू चुप कर। पागल इसमें नमक क्यों डाल दिया? तू आश की कर, मुझे बदला लेन दे। क्या मतलब? भोली नाबन, मुझे पता है तू सोनू को अपना दिल दे बैठी है। चल पागल। चल मैं चाय लेके चलती हूँ, तू आ जा। भाभी कुछ भी हो पर तुम मेहनत बहुत करो, हमने ऐसी भाभी आज लूनी देखी। तुम भी पी लो या बाजा बजाऊं? अरे चाय बहुत अच्छी है, पी जो ले। पायल चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा पायल ने बनाई है, फिर तो पीनी पड़ेगी। अरे चाय तो ठीक है, पी जो ले, क्यों ना टक्कर रहा? जरूर इस बंदरिया ने कुछ इसमें फाल्ट करा, आज इस बंदरिया का टाइम खराब है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ू। अरे चाय तो ठीक ही, यू भी यार नाटक ही करता रहे। भूल गया तू, भूल गया, और तेरा यार एक दिन काम आवगा। अरे यार तू इतनी बढ़िया चाय में भी कमी निकाल रहा है, अब के कहूँ तुझे यार। चुप सो जा, कभी यही कटा भी। अरे यार दिल आ गया तो के करूँ? उस बंदरे पे आ गया तेरा दिल, उसे तो मैं देखूंगा। ठीक है कर लिए जो तुझे करना, पर अब प्यार होगा तो होगा। उस बंदरे से थोड़ी प्यार, उसे तो मैं देखूंगा। ओके माय बॉस, जो करना कर लिए। तू करे प्यार और झेल ले हम, उसका ऐसा रहा बैठा और अब की बार भनक भी नहीं लगने दूं। ठीक है मेरे बाप, जो करना कर लिए। कैसी छोड़ रहा है? अरे ना मरे के तू क्या गैस छोड़ रहा है? खावे पूरे दिन हाल बबाल। साले गैस छोड़नी बता रहा, अब बाबा रामदेव का चूरन खावे। साले यू गैस तो कहीं और से लीक हो रही है, क्यों आर खोल? अरे इसका धुम्मा। अरे तू गेट खोल। Oh,
रहा है बंदर ने कुछ ऐप कर की दिखे। अरे साले मुझे लग रहा अपने चक्कर में तो मुझे भी मरवाओगे। खोल। जिंदा रहूंगा जब ही तो खोल लेगा। साले मरवाओगे तब मुझे भी अपने चक्कर में। खोलो रे गेट खोलो गेट खोलो। मीनू तू तो इन्हें मार के छोड़ेगी, मर जाएंगे ये लोग। पानी तो पिला दे। तुझे ज्यादा प्यार आ रहा है इन पे, मरने दे, कुछ नहीं होता इनको, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएंगे। चल यहाँ से। मुझे मारने की कोशिश बंदरिया, मुझे अगर कुत्ते ही रहना भगोड़ा ना तो मेरा नाम भी प्रदीप नहीं। चल भाई नाटक चल भीतर, इसकी चल रही आस की यहाँ मरवाओगे मुझे भी। चल भाभी मैं नहाया हूँ, चाय आके पीऊंगी। ओहो बाथरूम में तो तौलिया भी नहीं है, लेके आती हूँ। आज लग जाएगा पता तुझे इस सेठ से पंगा लेने का। मजा तो अब आऊंगा। ये किसने कर दिया? किसने कर दिया ये सब? ए बदरिया किन्ने बाबा उड़ दी तू? कहाँ लत पड़वा का ये? ये तेरी करतूत है ना, तुझे आज नहीं छोड़ूंगी मैं। आ रही ऊपर। अरे पायल देखियो ये दोनों ऊपर लड़ने ना लगे। क्या समझते हो तुम अपने आप को? क्यों मेरे कपड़े फाड़े तुमने? समझ नहीं आता तुमको? तू पागल मान रही है क्या मुझे? मैं क्यों पाड़ता? पागल हो तुम? तना देखा मैं पाड़ता हूँ या? पागल हो तुम? तुमने तू बंदर मेरा सिर मत ना होएगा, समझ गई ना? मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। जा चली जा, जान ले लेगी या? क्यों फाड़े तुमने मेरे कपड़े? अपना काम कर, देखा तुमने मैं मेरे साथ बदला ले रहा है ना? तू पागल है क्या? मुझे क्यों पागल कर रही है? मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही है? मैं देख लूंगी तुमको। जा काम कर अपना, जा चल। पता ना क्या समझ रही है अपने आप को, मेरे हाथ मर जाएगी दिन। एक यू लग रहा अपने आसकी में। सही बेटे सही। यार ये तू उल्टे काम करना छोड़, नहीं तो तू एक दिन खड़ा ही पिटवा आएगा। हाँ बेटे तू कर आसकी, और मैं उस बंदरे से डर जाऊं? मैं उसके वो हाल करूं, तू भी देखता रह जाओगा। तो तू मानने ना के रखा यहाँ? तू मेरे भाई चल हत्ते, यहाँ जारी में अंधर है कुछ भी, चल हत्ते। अरे यार दिमाग की तो माँ बहन हो ही रही है। तू एक काम कर, तू जाके बियर ले आओ। अरे क्यों हो रहा इनमें? इनमें तो पानी भी ना आवे। अच्छा रे चल तू एक काम कर, ये सारे ले जा, कलेश काट, जल्दी चले जा, कभी ठेके बंद हो जाओ। बेटे ठेके तो ना बंद हो मैं कभी भी, पर तू एक काम करिए, रोटी है ना आज ही ले आइए, समझ रहा ना बात को? ना मैं वहां बसन जा रहा हूँ, मेरे तो आज ही तिलक करेंगे वे। तेरा तिलक हुए ना हुए पर यू आस की बहुत बुरी चीज है, बात को समझिए,
नाश हो जाएगा नाश इस आसकी में। भाभी 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 वो भाभी तो पड़ोस में गई है गीतों में। उजी के बताऊं के खाऊं? खाना चाहिए। उजी तुम बहुत अच्छी हो, भूख लग रही थी। क्या बोल रहे हो आप? उजी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें देख लिया मेरी तो भूख ही भाग गई। अब मैं जाऊं खाना भूख। आपको खाना चाहिए? जी जी जी। भाभी बना के रखे गई है, लाती हूँ। अरे देवर जी चाय पी लो। हाँ भाभी चाय भी पियेंगे, नहा लूँ एक बार। तुम नहाया हो, जब तक मैं चाय पकौड़ी बना लूँ। ठीक है भाभी। अरे मग्घा कहाँ गेर दिया भाभी? अरे चल ऊपर ते ले आऊँ ना। भाभी, अरे भाभी लिया जल्दी पकौड़ी, बहुत भूख लग रही है। लो देवर जी गरम गरम पकौड़ी। सोनू देवर जी को ना लाए? आ जाएगा अपने आप। वाह बेटे, अकेले अकेले पकौड़ी खाई जा रही है, परे को होले। अरे मैं तो तुझे यहाँ को मारने वाला था। इतना भला ना तू, खा ले। यार पकौड़ी तो बड़ी स्वाद बना रखी है। और भाभी ने बनाई है, नहीं मान रहा। कैसे करूं? अरे कैसे करूं? अरे तेरे के हुआ, तू कैसे बिदक सी रहा? अरे मुझे नहीं लगा माल की माखी लड़की दिखे, सारे में खुजा लग रही है। काहे की खुजली लग रही है, तेरा कुछ हुआ भी हूँ? अरे खुजा सी मार रही सारे में। कैसे पता ना। एक काम कर। अरे तेरा के बावली चढ़ रही है यू? अरे पागल खुजा लग रही है यार। तू एक काम कर, खुजी एक बार ले, खुजी के चढ़ रहा है। कुछ भी ना यार, पता ना क्यों रहा तेरे।
ओ पायल देखिए ये खाजला कुत्ता कहाँ से बढ़ गया हमारे घर में। ए बनरिया, मुझे लगा तने कुछ गिरा दिखा मेरे लत्तों में। हैं? क्या हुआ इन्हें? तुझे देख लो मैं, समझ गई ना? ओए तू एक काम कर, तू ऊपर चल, हमारा खामा खाइन पर मजाक बनवान लग रहा है। मेरे खुजली उठ रही है, तू मजाक समझ रहा है? अगर फंस गई ना तो भैंस की लार बैठती फिरेगी। अरे आ जा यार, तू किनके मुंह लग रहा? ध्यान रखिए इस बात को। आइए सेठ जी आइए। और मलिक क्या हाल है तेरे? जी बढ़िया जी। मलिक कहाँ है तेरा लड़का? कैसा लड़का भेजा तुमने? उसको काम कुछ आता है नहीं आता? उसको मैंने पैसे भी दिए, उसने मेरी गाड़ी ठीक की, फिर दोबारा से खराब होगी, ये क्या मतलब भाई? बुला उसको। अभी 10 मिनट रुको जी, मैं भी दिखवा देता हूँ गाड़ी। मलिक 10 मिनट कुछ नहीं, मेरी गाड़ी अभी दिखवा। और वैसे है कहाँ तेरा चेला वो? अजी जब से आपकी गाड़ी में काम करा जब से आया नहीं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी गाड़ी अभी दिखवा और अभी ठीक कर। करवा रहा हूँ जी बस अभी। अबे मलिक होगी मेरी गाड़ी ठीक? हो रही जी अभी, बस 10 मिनट लगेगी। अरे यार थोड़ा जल्दी करवाओ। जल्दी करा रहा हूँ जी, बस आपकी करा रहा हूँ। देख मलिक पहले मेरी गाड़ी ठीक करवा। ओ महाराज पहले मुझे फ्री हो जाने दे, फिर लगाते रहे अपना नंबर। अबे तू कहीं का लाट साहब है क्या? अरे तू तो मुझे कुछ जाना बजाना से लग रहा है। महावीर। अरे रघु। अरे महावीर मेरे दोस्त। अबे कहाँ है तू यार? बड़े दिनों बाद मिला है, चल कहीं बैठ के बात करते हैं। उस्ताद जी हो गाड़ी ठीक हो? ठीक है। अजी सेठ जी आपकी गाड़ी ठीक हो गई? चल यार मेरे घर चल, वहीं बैठ के बात करेंगे। थम जा मेरे यार, पहले गाड़ी तो ठीक हो जाने दे मेरी। अरे तू मेरी गैल चल, गाड़ी तो मलिक साहब भिजवा देंगे घर। जरूर जरूर, एक घंटे में गाड़ी भिजवा देता हूँ आपकी मैं। तो एक काम करते हैं ना, तेरे घर चलते हैं, वहीं पे गप्पे मारेंगे, बहुत दिन हो गए दोस्त। भिजवा देना मलिक साहब गाड़ी। ठीक है जी भिजवा रहा हूँ। यार हमारे तो कुछ बात सुन में आ ना रही। यार तेरा लड़का नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? यार क्या बताऊं तुझे मैं, उसने एक दोस्त पाल रखा है, बस उसी गैल हारता भी है और पैसे उड़ाया जा रहा। तू एक काम करना, हथकड़ी लगवा दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हथकड़ी? मेरा मतलब उसकी शादी करा दे। यार शादी के लिए कोई लड़की भी तो चाहिए मेरे भाई। तो एक काम करते हैं ना, हम अपने दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यार मैं तेरी बात कुछ समझा नहीं। यार मेरी भी एक लड़की है, वो भी पता नहीं सुबह शाम अपनी सहेली के साथ कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। दोनों की शादी हो जाएगी, वो दोनों भी खुश और हम दोनों भी खुश। बात तो तेरी ठीक है, अब एक काम कर, कर जल्दी से इस काम को। तो फिर ठीक है। चीयर्स। चीयर्स। ले भाभी तेरी मनपसंद जलेबी। अरे राजू भैया कैसे परेशान से बैठे हो? अरे देवर जी इनकी नौकरी छूट गई। अच्छा तो क्या बात होगी, नौकरी मिल जाओगी? इतनी आसानी से कहाँ मिले नौकरी। अरे भाभी मेरे रहते हुए भी भैया को नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़े तो फिर मारा क्या फायदा। इसके पिताजी का ना कई भट्टे हैं, ठीक ठाक काम है। सोनू मैं थारे उसे मुनीम को फोन कर रहा हूँ। तू मुझे फोन मिला के दे। हाले बात कर। हेलो मुनीम जी, राम राम, मैं सोनू बोल रहा हूँ। मुनीम जी ऐसा है, मैं अपने एक खास आदमी को भेज रहा हूँ। हाँ उसे काम पे रख लियो। हाँ, राजू भैया तनखा कितनी लोगे? जितनी पहले मिलती थी। कितनी मिलेगी? 12,000। तुम एक काम करियो मुनीम जी, मैं इन्हें भेज रहा हूँ और इन्हें 20,000 रुपए तनखा के हिसाब से रख लो, अपने ही खास आदमी है। ठीक है? ठीक है। मैं कहने रहा था ऐसी कोई बात ना है, मारे होते तो मैं कोई ऐसी बात चिंता हो जा, तुम्हारा तो मरना भी बेकार है। तू सोनू भाभी इसी बात में मिठा करवा और घाला जलेबी अभी लाई। अब तो खुश हो? हाँ जी। अरे राजू भाई तुम दिक्कत मत मानो, अब कोई दिक्कत ना है।
वाह बेटे आशिक, तेरा नया रूप, क्या बात। बस साले हसरा झाड़ दूंगे उससे झड़वा लेना जिसके चक्कर में लग रहा है। बेटे देख लूंगा तुझे तो मैं। अभी तो देख ले, चले बंदरिया अपना काम कर। इन दोनों आशिकों को आपस में देख लेने दे। ये सब मुझे देखने के चक्कर में हुआ है ना? नहीं वो नहीं जी। अब देख लो जी बैठे। पायल, मैं तुम्हें जिंदगी भर तक देखना चाहता हूँ। पागल, तुमने बनाया है। पायल, आई लव यू। मैं नहीं कह पाऊंगी। पायल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी। अरे ये क्या हो रहा है? भाभी, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूँ। सोनू क्या कह रहे हो, तुम इतने अमीर आदमी हो और हम इतने गरीब। मुझे भाभी सिर्फ और सिर्फ पायल चाहिए। तुक्का तो नहीं दोगे पायल को? भाभी तुम ना भैया से बात करो प्लीज। भाभी मुझे इन पर पूरा भरोसा है। जब ऐसी बात है तो मैं देखती हूँ तुम्हारे भैया से बात करके। ठीक है भाभी। दो तीन दिन के लिए बाहर जा रही हो तो ठीक से रहियो। देखो भाभी, अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो छोड़ू मैं भी नहीं। भाभी तुम आराम से जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। भाभी इनसे कह दो अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो सुधार दूंगी। अरे ना कोई लड़ रहा ना कोई मर रहा, 24 घंटे इन बाड़ों के पीछे पड़ी रहे। चल बस निकट जाएगी, देर होने लग रही है। बेफिक्र होके जाओ, मैं सब संभाल। आ जाओ जल्दी। आई चल के बंदरिया सी।
आप नहा लो, मैं खाना ले आती हूँ। खाना लगा दो, मैं नहा के आता हूँ। ये तकिया यहाँ कहाँ से आया? अरे ओ प्रदीप, देखे यार यू नीचे शोर कैसा आ रहा है। अरे यू कहाँ गया? मुझे लगे मेरे ससुरे ने इसने फिर क्या कोई ड्रामा रख दिया दिखे। देखना पड़ेगा ही चल के, पता ना क्या ड्रामा रचा होगा ससुरे ने। यार यू मुझे ही जाना पड़ेगा नीचे। क्या हुआ? थी? इतना ही दिले तेरे में? हैं? बदतमीज, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? अरे मने मने रिया की भूख काट दी, तेरे कैसे दिल मिला रही है? ओ मिनिस्टर, ज्यादा ना बने। अरे बनरिया शेर तक टकराओगी तो यू ही हाल होगा। मीनू, तेरा दिमाग तो ठीक है, समझती क्या है तू अपने आप को? तू भी तो मजाक करती है इसके साथ। मजाक करती है ना तो सहना भी सीख ले। ये तूने ना अच्छा नहीं किया। करते हैं हम जो तुमसे मोहब्बत, इसमें खता क्या मेरी है? करनी है शिकायत तो उस रब से कर जिसने इस जहां में उतारी है। जब तक सांस चलेगी यूं ही प्यार करता रहूंगा। ले ले जन्म चाहे कितने भी, हर जन्म तेरे साथ रहूंगा। देख ले तू तेरी।
की बातें आंखों से समझ ले, लब से ना कह पाऊंगी। लत तेरी लग जाएगी मुझे, दर्द ना सह पाऊंगी। तेरे बिना कुछ दिखता नहीं है, ना ही कुछ मुझे याद है। हर लम्हा तेरे संग रहूं मैं, रब से ये फरियाद है। देख तुझको हो गया पागल, यूं ही पागल रहूंगा। ले ले जन्म चाहे कितने भी, हर जन्म तेरे साथ रहूंगा। चल फिर यार चले हम दोनों, इस गगन के पार चले। वही खुदा के सामने हम प्यार का इजहार करें, ऐसी प्रेम कहानी लिख दे जो ना कभी मिट पाएगी। लत तेरी लग जाएगी मुझे, दर्द न सह पाऊंगी। अरे रुक जा यार, तू मेरी गैल चल रहा है? नहीं, मुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रुकना, साफ बात है। तू समझने की कोशिश तो कर यार। मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ, तू चलेगा या यहीं रहेगा? के जी मैं तेरे नू बता, तुझे तो यार दिखाई दे रही है बस, ठीक है ना? तुझे अपने दोस्त की कोई फिक्र ना। ऐसा नहीं है, प्लीज मीनू रोक ले उसे, माफी मांग ले उससे। देख भैया भाभी भी घर पे नहीं है, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? गलती उसकी है, मैं उससे कम हूँ क्या? प्लीज मेरी खातिर मान जा। चल ठीक है, अगर तू कह रही है तो आखिरी बार तेरे लिए मैं ये भी करूंगी। दोस्त को भूल गया आज? आज एक लड़की के चक्कर में अपने दोस्त का साथ ना दे देगा ना बिल्कुल भी? ठीक है भाई, यही हमारी दोस्ती थी, यही हमारा साथ था, ठीक है भाई। अरे यार सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यार माफी मांग रही है, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है, इसे माफ कर दे यार। एक शर्त पे। वो क्या? इसे मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। ये क्या कह रहा है यार तू, ये तो नहीं हो सकता। तो माफी भी ना फिर। ठीक है, मैं अपनी सहेली के प्यार के लिए ये भी करूंगी। पर मीनू तू। हाँ पायल, अगर मेरे झुकने से ये लोग यहाँ रुकते हैं तो मैं ये भी करूंगी। जब तुम अपनी सहेली के लिए इतना कुछ कर सकती हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ कर सकता? ओ खानदानी दुश्मनों, तुम्हें क्या होगा अब? तुमसे मिले तो पता ये चला है जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है। तुमसे मिली है ये जो खुशियाँ है, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। वरना हम जी रहे थे अंधेरों के शहर में, अंधेरों के शहर में। तू ही मेरा सनम है, तू ही मेरा जहां है।
तेरी ही आस थी मेरी दीवानगी को बस तेरी प्यास थी तू ही तू हाँ तू मेरा जीवन सवार दे अभी जाना सता मुझे रूह में उतार ले अगर तुझे है पता तो मुझे भी बता कैसे मैं जीऊं तेरे बिना तू ही मेरा सनम है तू ही मेरा जहां है आती नहीं ऐसा कोई पल नहीं जब याद तेरी आती नहीं तेरे बिन मैं तड़पूं जैसे बिन पानी मछली तेरे संग मैं जीऊं जाए तुझ पे जा अपनी हम दो हैं बदन और एक है जान मैं तेरे बिन नहीं हूँ मेरी जान सनम है तू ही मेरा जहां है अरे के चल रहा भाइयों मैं तो तुझे देखना आया था जो देखने आए थे वो देख लो या तो नुई कहती रहे पता ना के बतावे यू इस क्विज का भी बड़ा कैड़ा काम है इसमें तो मेरा इंजन बॉडी फिल्टर सब हिला दिया लग रहा सर्विस करनी पड़ेगी पता चलगा हाँ चल जब तो मुझे बहुत बात बना गया अरे आदमी ऐसी बना दे एक दूसरे को बात अब बियर पिला दे बस यार समझ में नहीं आ रहा सब कुछ उल्टा हो रहा है मेरी लोंडे मेरे हाथों से निकलती जा रही है और तेरा लोंडा तेरे हाथों से निकलता जा रहा है समझ में नहीं आ रहा साला क्या करे तू मुझे कुछ सोचने दे मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला मसला नहीं हूँ अब क्या करेगा तू तू देखता जा मैं क्या करता हूं बल्लो जी बाबूजी ये पैसे रख और सुन ठीक है बाकी बात मैं तुझे फोन पे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है जाओ पापा जी नमस्ते नमस्ते बेटा कहाँ पर है पापा जी मैं तो अपने दोस्त के घर पे था बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है तो एक काम कर तो जल्दी घर आ जा अच्छा चलो आता हूँ मैं ठीक है बेटा क्या हो गया यार वो पापा जी का फोन था उनकी तबीयत बहुत खराब है जाना पड़ेगा मुझे अच्छा
पायल मैं भी चलती हूँ, सोनू के साथ ही निकल जाऊंगी और दो चार दिन में वापस आ जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलें तो फिर। वैसे भी मुझे काम धंधे पे जाओ कई दिन हो लिए, काम तो करना ही पड़ेगा अगर घर बसाना तो। अरे वैसे भी मेरे उसका मिस्त्री का फोन आया था उस्ताद का, नु कह रहा था आता हो तो आ जा ना तो काम कैडा हो जाएगा, जाना तो मुझे आप पड़ेगा। रोज रात को यही आ जाया करो, ऊपर वाला कमरा तो वो है ही खाली। और दोपहर का खाना मैं ले आऊंगी दुकान पे। यू भी ठीक है, तेरी सारी टेंशन ही खत्म। हाँ ठीक है, जैसी सबकी मर्जी। तो फिर मीनू चलने की तैयारी करो तुम। चलो इस गाड़ी को बिल्कुल शोरूम कंडीशन बना दूंगा। कहाँ था तू अब तक, आज टाइम मिला तू जाने का? मलिक साहब तुम तो जाने ही हो, मैं उड़ता पंछी हूँ, मैं तो कहीं भी कैद हो जाऊँ। ओए ध्यान दे सुन, पहले तू कह था आज मैं कह रहा जा मौज ले। मलिक साहब मौज तो बहुत ले ली, अब घर भी तो बसाना है। ठीक है यार खूब घर बसा, तुझे कौन मना कर रहा है, मेरे दौरे नहीं कहीं और इल्ला देख। मैं तो देख लो मलिक साहब, पर थारा क्या होगा? हमें भी कोई ना कोई मिल जाएगा। मलिक साहब थारे बस की तो है ना, मुझे लग रहा तुम किसी के भकाए में कह रहे दिखो। ताऊ जी आप? अरे वो ताऊ जी के बच्चे, तूने मेरे बेटे का जीवन तो नष्ट कर दिया उसका दोस्ती करके। अब ये बता उन्हें छोड़ने का क्या पैसे लोगे तुम, क्या है तुम्हारी कीमत? तुम के कह रहे हो ताऊ जी, भाग जाए यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तेरी यहाँ। जाओ मेरी तरफ मत देखो, कहीं और देखो अपना काम। ये लो प्रदीप मैं खाना ले आई। आओ तुम्हारी ही कमी थी। अंकल आप यहाँ? चुप कर अंकल की बच्ची, क्या बात है, अपने यार को खाना भी लेकर आई है। एक काम कर गरीब लड़की, अपने हाथों से खिला दे इसे। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों कुछ गलत कहा मैंने? इन गरीबों को हमारे बच्चों ने दौलत क्या दिखा दी, ये तो अपने आप को मिर्जादे समझने लगे। पागल हो गए दोनों देख। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? अभी भी नहीं समझा? अरे चला जा उस गंदी नाली में जहाँ से तू आया है और छोड़ मेरे बेटे का पीछा। और सुन इस गंदगी को भी अपने साथ लेकर जा, जा। मैं तो चला जाऊंगा सेठ जी, पर अपनी लड़की को कैसे समझाओगे, मैं उसके दिल में रहता हूँ। अपनी बकवास बंद कर, नहीं तो एक मिनट में तुम दोनों के आस्की का भूत उतार दूंगा, समझ गया? चल। हम तो अपनी बकवास बंद कर लेंगे, पर आप कैसे समझोगे अपने बच्चों को? ओए सेठ अपनी औकात में रह, मेरी यारी ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना अब तक पता ना मैं तेरा क्या हाल करता। क्या आस की है, वाह वाह क्या बात है, घनी तकड़ी आस की चल रही दोनों के बीच। अरे छोड़ो सेठ जी, मैंने सिर्फ काम से निकाल दिया है, अब ये जाने इसका काम है। मलिक साहब मुझे क्या नौकरी से निकालोगे आप, मैं खुद इस नौकरी को छोड़ के जा रहा हूँ। तो जाना फिर, जा कहीं और। ताऊ जी थार से तो मैं बाद में बात करूंगा। अबे ओ गंदी नाली के कीड़े, साथ में इस गंदगी को भी लेकर जा, जा। सेठ जी घमंड तो रावण का भी न रहा था। रावण का रहे न रहे लेकिन हमारा जरूर रहेगा। चल पायल। और हाँ ले जा इस गंदगी को अपने साथ, जा चल। तू अभी तेरी रोल लगी, अभी तो देखना है हमारे साथ क्या क्या चाल चलेंगे। तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो पायल चलो। अरे यू कौन पड़ा भाई? छोड़ो मुझे।
पायल, 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 तुम ठीक तो हो पायल? क्या हुआ, ठीक तो हो? रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम मेरी बहन हो ना। अरे क्या हो गया भैया? कुछ गुंडे पायल के साथ बदतमीजी कर रहे थे। कहाँ है? अब तो वो भाग गए। तू ठीक है? भाई प्रदीप, तैने मेरे घर की इज्जत रख ली। कैसी बात कर रहे हो भैया, आप तो हमारे बड़े भाई जैसे हो। ठीक है, तू इसे घर लेके जा, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ठीक है भैया। यार तू समझता क्यों नहीं है, वो हमारे लिए कहाँ है, वो कहाँ और हम कहाँ? पर पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं नहीं मानता, मैं उससे ब्याह करूंगा। यार हम उस गरीब लड़के को अपने घर में कैसे ले आएंगे? पर पापा, आपको मेरी खुशी के लिए मानना पड़ेगा, मैं नहीं। अरे बेटा समझा कर, हमारे स्टेटस का सवाल है ये। स्टेटस का सवाल होगा आपका, पर मुझे उससे ब्याह करना है। ठीक है बेटा, ठीक है, तू जीता मैं हारा। एक काम कर, कल उनको घर पे बुला ले, उसके भाई को बुला ले, बैठ के बात कर लेंगे। ओ थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू। अरे बेटा तेरे लिए तो मुझे इतना करना पड़ेगा ना, औलाद के लिए माँ बाप ही तो करते हैं। ओ थैंक यू सो मच पापा, आपने तो मेरी मुश्किल ही हल कर दी। पापा ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं प्रदीप से शादी करूंगी। खैर बच्चों के सामने सारी दुनिया झुक जाती है, और आज तेरा बाप झुक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल मिलवा। पापा यू आर ग्रेट, आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा, सोनू के पापा पायल और सोनू की शादी के लिए मान गए हैं। प्रदीप भी वहाँ पे आने वाला है, मैं आपको वहीं पे उनसे मिलवा दूंगी। अच्छा, वो मिलेंगे मुझसे? जितनी जिद्दी मैं हूँ वो भी उतना ही जिद्दी है, जो एक बार ठान लेता है वो वही करता है। मुझे अपनी बेटी की पसंद पर बहुत नाज है, बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू पापा, यू आर ग्रेट। आखिर मैंने अपने पापा को मना ही लिया। पापा तो मेरे भी मान गए हैं, पर बड़ी मुश्किल से। ये पायल और प्रदीप कहाँ रह गए? अरे मैंने फोन तो किया था, कह रहे थे आ रहे हैं। बस एक बार किसी तरीके से आ जाएं, आज हमारी जिंदगी का बड़ा खुशी का दिन है। अरे पायल आ गई तू? हाँ। अरे आओ मारती, आओ बैठो। राम राम जी। राम राम। बैठो बेटा। पापा ये हैं प्रदीप, और मैं इन्हीं से मिलवाना चाहती थी। बेटा तुम्हारी पसंद मेरी भी पसंद है। सेठ जी मैं वो यूं बदलना हूं, ध्यान तो देख लियो। तू ना बदला बेटा। छोटू मैं तो बदल गया। चाय ले आ। कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता। मेरे बच्चों कहाँ रह गया? आगे चाय, आगे रख बेटा, चाय पियो। बाबूजी कुछ कागज आए हैं।
देखिए सोनू, मुझे लगा प्लॉट का कागज हो उसमें। कागज? अरे कौन सा फिल्म के फोटो आ गए? फिल्म तो आ गई पर तेरी फिल्म आ गई। अरे हम किन्ने हीरो बना दिए? ले देख तू भी आंखों से। दिखा। ले। देखा, यूं मेरे बेटे को धोखा दे रहा, इसकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है वो। सही कह रहा दोस्त, इसकी आदत ही है पीठ के पीछे छुरा घोंपने की। मेरी बेटी को प्यार के चक्कर में फंसा कर और मजे ले रहा इस लड़की के साथ। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा हम क्या कह रहे हैं, तेरी करतूतें साफ साफ दिख रही है और ये फोटो क्या हमने जबरदस्ती बनवा दी है? सोनू मेरे भाई, तू मेरा यकीन तो कर, कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा। ओए, तू इतना बड़ा लार साहब नहीं है जो तेरे खिलाफ साजिश रची जाए। मीनू मेरा विश्वास कर, ये साजिश है। ओ गरीब लड़की, नजर मेरे बेटे की दौलत पर और मजे ले रही है इस लड़के के साथ। चुप रहो अंकल जी, ये सिर्फ सोनू की शर्म है, वरना मैं अब तक बहुत कुछ कर देता। क्या कर देता तू? मेरे सामने मेरे बाप को धमका रहा तू? ये तस्वीरें चीख चीख के तेरा पूरा पर्दा फाश कर रही है। ये सब झूठ है। सोनू मेरे भाई, कोई हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, हम दोनों को अलग करना चाह रहा। ओ नंगे, तू नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? अभी तेरा पर्दाफाश करता हूँ। हाँ भाई, तू तो इसका भाई है ना? हाँ जी। तो बता क्या हुआ था? भैया मैं नहीं चाहती थी कि सबको पता चले, लेकिन अब आप बताओ कि क्या हुआ था मेरे साथ। हाँ भैया बताओ, उस दिन रस्ते में पायलों कुछ गुंडों ने घेर लिया था, उसके बारे में बताओ इन्हें, बताओ। बता, चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, बोल अब। कौन से गुंडे, कहाँ मिले थे गुंडे? पायल क्या बताऊँ, तू ही बता दे जो बताना है मुझे। भैया आप ये क्या कह रहे हो, सब सच बोलो, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ भैया बताओ इन्हें, बताओ। ठीक ठीक बता, ये लड़का तेरे घर में रहता है ना? हाँ जी मेरे ही घर में रह रहा है। और इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ये तो पता ना, मैंने इसे कई बार इसके कमर में ऊपर जाते देखा था। भैया अब ये क्या बोल रहे हो? भैया आपने तो मुझे जीते जी ही मार दिया। कमीने, मारूंगा तो मैं तुझे। सोनू मेरे भाई, मेरी बात समझने की कोशिश कर, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा क्या विश्वास करूं, निकल यहाँ से। सोनू मेरे भाई मेरी बात समझ, कोई हमारे दोनों के बीच में बहुत बड़ी गलतफहमी कराना चाहता है। तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा भाई है भाई। अरे कट्टर है तू, निकल मेरी आंखों के सामने से। सोनू मेरा विश्वास करो और लेके जाए इस गंदगी को मेरी नजरों से बहुत दूर, गद्दार। और हमारी जिंदगी से इतना दूर चले जाओ कि कभी नजर मत आना। पायल सुनो, पायल पायल रुको, पायल रुको। कहाँ जा रही हो पायल? क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ जिस भाई ने मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम कर दी, या उस सोनू के पास जाऊँ जिसके लिए मेरा प्यार कुछ नहीं, मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे सोनू से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमें गलत समझेगा, मैं हम दोनों की सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगा। और कौन कहता है कि तेरा कोई नहीं है, आज से मैं तेरा भाई हूँ, तुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरा साथ दूंगा मेरी बहन। मेरे लिए खुद को क्यों जला रहे हो? आग एक है पायल, और उसमें जलने वाले हम दोनों।
रुक 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 रुक, आओ बाहर आओ। पायल तुम ठीक तो हो? पायल ये कहाँ ले आए सोनू? यार की सच्चाई दिखाने लाया हूँ। प्रदीप तेरे से ये उम्मीद तो ना थी मुझे। मैं सब समझ गई सोनू, चलो यहाँ से। बेटा बाप होने के नाते मैं तुम्हें इससे बढ़िया सलाह नहीं दे सकता। जलाओ उसको जिसने तुम्हें जलाया है, तुम्हारे साथ धोखा किया है, दोस्ती के नाम पे फरेब किया है। बेटा तुम्हारी खुशी के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन जान बूझ कर तुम्हें नरक में नहीं झोंक सकता। फैसला तेरा है सोनू, मेरा क्या? मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद तू खुश रहे, ताकि मेरी आत्मा को शांति तो मिले। देख मीनू बेटा, ये रिश्ते जो है ना ऊपर से बन के आते हैं, और तुम्हारी एक गलती तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद कर देगी, समझी मीनू? भगवान का इशारा समझो बेटा। पापा आपका फैसला हमें मंजूर है, हम क्यों घुटघुट कर मरे उनके लिए जिन्होंने दोस्ती में फरेब किया है? हम भी खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे, क्यों मीनू? पापा मैंने भी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा पापा। देखा रघु, मेरे बेटे ने आज मेरी छाती चौड़ी कर दी। अब तू एक काम कर, तैयारी कर और बजा सेनाई। ठीक है तो। छोड़ के न कल्ला हमने चल्या जाइए ना, मैं समझू सु तने मेरा प्यार उजले। ओई बेकाचाए पड़िया से मेरे रुख प्यार का, ना जान के चलाइए तलवार उजले। ओई बे छोड़ के न कल्ला हमने चल्या जाइए ना, मैं समझू सु तने मेरा प्यार उजले। इबे काचाए पड़िया से मेरे रुख प्यार का, न जान के चलाइए तलवार उजले। ओ म्हारे दोनवा की जोड़िया बनाई राम ने, वो कदे कुछ भी ना बिगड़िया कर से प्यार का, चल बैठ के न करा समाधान ओ जले। कदे कुछ भी ना बिगड़िया कर से प्यार का, चल बैठ के न करा समाधान ओ जले। दूर तेरे ते राखिए तू मन अपने पास में, तेरी गल्या जीना और तेरी गल्या मरना, लगाए बैठी के मैं आस तेरे ते। होया कोनी जावे इब दूर तेरे ते राखिए तू मन अपने पास में, तेरी गल्या जीना और तेरी गल्या मरना, लगाए बैठी के मैं आस तेरे ते। वो तेरे बिना किसकी मैं पूजा करूं, एक तू ही तो से मेरा भगवान ओ जले। वो कदे कुछ बिना बिगड़िया कर से प्यार का, चल बैठ के न करा समाधान ओ जले। कदे कुछ बिना बिगड़िया कर से प्यार का, चल बैठ के न करा समाधान ओ जले। मनोज बरार मारी नी भैगी खूब, होण ना दिए तू मन अपने ते दूर,
क्यों हो भाई, क्या सोच रहा है? ये जो घायल शेर होते हैं ना साले, बहुत खतरनाक होते हैं। तू चिंता मत कर, इस बार मैं उस हरामजादे पर खुद नजर रखवा रहा हूं। अरे तू काहे को चिंता कर रहा, आप पैक मारेंगे, मेरे होते हुए क्यों टेंशन ले? वाह भाई वाह, यारी में गद्दारी करके मौज मनाई जा रही है। सरेआम रंगरलिया मनाई जा रही है यहाँ पे। जब दोस्त बेशरम हो जाए ना तो कुछ भी कर सकता है। अगर यही बात मैं तेरे से कहूँ तो? इनको इनके हाल पे छोड़ दो सोनू, और वो बताओ जो हम इनको यहाँ पे बताने आए हैं। सॉरी माय लव, और हाँ तुम दोनों सुनो, परसों हम दोनों मंगनी कर रहे हैं और तुम तीनों इनवाइटेड हो। मतलब तू और तू और तुम्हारा होने वाला ये बच्चा। तुम लोगों की तरह छुपके नहीं करते हम, जो करना होता है सरेआम करते हैं। समझेगा तू या और समझाना पड़ेगा? दर्द बनकर भी इतना अच्छा लगता है, न जाने क्या होता अगर वो हमदर्द होता। जो ना तो यार
पायल, पायल। पायल उठो, दवाई लो, आराम से उठो, ले इसे। अरे छोड़ उनकी बात यार, हमें तो शॉपिंग पे चलना है ना। चलो ठीक है। अरे ये झाड़ से किन्ने अड़ा दिया ड्राई। कहाँ गई? प्रदीप तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ मैं, ये काम तो मुझे बहुत दिन पहले ही कर देना चाहिए था। छोड़ो प्रदीप, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? हटो तुम, छोड़ो प्रदीप, छोड़ो, हटो प्रदीप। चुप। सोनू बचाओ मुझे, सोनू कहाँ हो तुम? आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। सोनू बचाओ मुझे। हेलो हेलो, आवाज तो आ नहीं रही। हेलो, बे क्या नाटक कर रहा है? जोर से बोल के बात है, हैं? अच्छा जी, आली आली आली। बहुत बढ़िया बनता है ना तू? छोड़ो इसे। हट। आओ। पकड़ो इसे, हम जल्दी। पकड़ो इसे, हम जल्दी। तुझे समझाया था ना? यहाँ से दूर चला जा। आज तेरा नाटक हम काट देंगे, तेरा बक्कल काट देंगे हम। सुन, बल्लो। इस हरामजादे को ना इसके घर में कैद करके हड्डी पसली तोड़ दो इसकी।
और बाद में बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ले जाओ उसे। सोनू, सोनू तू ठीक तो है बेटा? तू ठीक तो है? आजा बेटा। मीनू ठीक तो है? सुनो तू एक काम कर सोनू, तुम मीनू को लेकर घर पहुंच, हम आ रहे हैं अभी। चले चल चल। मीनू तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो हराम ज्यादा प्रदीप ऐसे कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता। तुम ठीक हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं पगली तू, डर मत, मैं हूँ। मार साले को। खड़ा हो जा। पड़ती हूँ, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ए छमिया, बहुत प्यार आ रहा ना तेरे यार पे, ये देख अपने यार को, ये घर से देख, छोड़ दो पायल को। देखा मेरा कमाल, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। यस, तभी तो हमारी चाल कामयाब होगी। मर जाएगा, प्लीज उसे बचा लो। बचाना होता तो मारते क्यों? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो। छोड़ देंगे गरीब लड़की, लेकिन उससे पहले तू हमारे पैरों में गिर। हरामजादी, हमारे पैरों में गिर के अपने यार की जान की भीख मांग, तब हम छोड़ेंगे उसे। गिर पैरों में। जब कोई गरीब पैरों में गिर कर भीख मांगता है बहुत मजा आता है। ले ले मेरे यार, ले ले मजे मेरे राज में। आ अंदर देखते हैं। बल्लो, इसका बैंड बजाना छोड़ और सुन, कल इसको और इसकी महबूबा को इतना दूर ले जाइयो, समझ रहा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है बाबूजी। जा, छोड़ दिया। कल मेरे आदमी तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा देंगे। जा जी ले अपनी जिंदगी। चले यार, ये कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। अरे यार तू घबरा मत, मैं कभी भी मरा हुआ सांप अपने गले में नहीं डालता। तू देखता जा और शादी की तैयारी कर। चल ठीक है, चलो। अरे बहुत हो लिया तुम्हारा नाटक, चलो बहुत लंबे टांगने तुम, चलो चलो यहाँ से। मैं यूं नहीं जा सकता यहाँ से। प्लीज प्रदीप चलो यहाँ से। पायल, मैं यूं हार मानकर नहीं जा सकता, और उन कमीनों ने जो एक कलंक मेरे मुंह पर लगाया है, मैं इसके साथ नहीं जी सकता। अरे भाई गोली हम मारेगा, हमें गोली मारे बहुत दिन हो गए हैं। भाई गोली तो तू ही मारना, पर पार्टी देना पड़ेगा। दे देंगे यार, दे देंगे।
अरे बॉस क्या रहा, हो गया उनका पूरा नाटक, आज लगा देंगे ठिकाने। वाह, तुम मुझे बहन मानते हो तो तुम्हें इसी बहन की कसम है, मैं अपने भाई को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पायल तुमने ये कैसी कसम दे दी है मुझे। हुआ नहीं क्या अभी पूरा नाटक, जल्दी लड़ा लो नैन, चल बे। अरे हमें देर हो रही है आरन आके। अरे बोस लग रहा है डोज देना पड़ेगा फिर से। उठाओ सामान, चलो यहाँ से, उठाओ सामान। अरे बॉस कहाँ लेके जा रहे हैं इनको। बहुत लंबा, बहुत ही लंबा, इनका नाटक आज खत्म। सोनू आज तेरी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। अरे छोड़ ना मेरे दोस्त, बच्चों को इनकी जिंदगी जीने दे, ले बेटा पहना दे। सही कह रहा, ले सोनू और पहना दे अंगूठी हमारी होने वाली बहू को। अरे ये कैमरे वाले कहाँ हैं। अरे कैमरे वाला नहीं आएगा तो मंगनी नहीं होगी क्या। होगी, कैमरे वाला, चलो पहनाओ बेटी, पहना पहनाओ पहनाओ। अरे मेरे यार की शादी, यहाँ फोटोग्राफर का क्या काम। अरे यार लटूरी, तेने बहुत बढ़िया करा, तू यहाँ आगा खींच हमारी फोटो। तू यहाँ कैसे आया भाई, तुझे यहाँ किसने बुलाया। यार बुलाए नहीं जाते, यार खुद चले आते हैं, क्योंकि यार बहुत प्यारे और बहुत कमीने होते हैं। अरे पहनाओ ना। अरे वाह, अरे बल्लू मिठाई ले जाओ भाई। वाह भाई वाह, रसगुल्ले। लटूरी तू आ तो गया, रसगुल्ले खा। भाई मैं खाऊंगा दो, अरे एक अपने दोस्त का, एक अपनी दोस्तनी का। तो ले खा। क्यों मीनू जी, दो ही खा तू, चल। यस, एक और ले ले, तीसरा भी लेगा क्या। ना ले भाई। भाई लटूरी, हाँ? फोटो खींच तो लिए, हाँ? अब दिखा भी दे। अभी दिखाता हूँ। हाँ। ये देखो फोटो, ये देखो, ये देखो, फिर और देखो। ये देखो, ये क्या तमाशा है, गलत है ये। ना अंकल जी ना, जब पायल के प्रदीप के फोटो आए थे तो आपको अच्छे लगे, आज मीनू के सोनू के फोटो आपको बुरे लग रहे। पागल तो नहीं हो गया। पागल बनाया आपने मीनू का और सोनू का, पागल बनाया प्रदीप का और पायल का, सारा काम खुद करवाया, बचपन के दोस्तों का आपस में लड़वाया, जिंदगी बर्बाद कर दी तेने, सबकी जिंदगी बर्बाद। लटूरिया क्या कह रहा है तू। सच कह रहा हूँ मैं, प्रदीप जबान का कड़वा जरूर है पर दिल का सच्चा है मेरा यार, पूछ इससे अपने कमीने भाई से। भाई कुछ तो बताओ, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं कुछ ना जानता। बताओ भाई बताओ, बचा लो इन चारों को। भाई कुछ तो बताओ, ये हमारी जिंदगी का सवाल है और कसम है तुम्हें हम दोनों की दोस्ती की। भाई मुझे नौकरी से मत निकालना, सेठ जी ने तुम्हारी भाभी को किडनैप कर लिया था और जान तो मारने की धमकी दी थी, और ये कहा था जब तक इन दोनों की शादी ना हो जा अपनी जुबान बंद रखिए, मैंने इसी मारी झूठ बोल रहा था। भाई सच सच बताओ क्या बात थी। भाई कुछ गुंडों ने पायल को उठा लिया था और प्रदीप ने अपनी जान पकेल के उसकी जान बचाई थी। और वे गुंडे तेरे बाप के थे, और यू गंजा भी साजिश में शामिल था, तुम्हारी दोस्ती का गला घोटने वाले शैतान है शैतान। पापा ये सब क्या है। बेटा मैंने तो ये तेरी भलाई के लिए किया था। तुमने मेरी भलाई के लिए नहीं किया,
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पाप कहूँ या जल्ला? आजा भाई आजा। सोनू सोनू बेटा नहीं नहीं बेटा सोनू। पापा टायन भी साथ कर छोड़ कर हमला करती है और तुमने तो अपने बच्चों पर ही रहम नहीं खाया। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा मुझे माफ कर दे, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरे प्यार को समझ नहीं पाया। सोनू गलती हम दोनों की है, हमने अपने दोस्तों पे विश्वास ना करके अपनी दोस्ती पे कलंक लगाया। तो इस कलंक को मैं अपने खून से धोऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपनी दोस्ती को बदनाम नहीं होने दूंगा। जा बचा ले अपने यार को, तू शहर छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए। मेरे रहते ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। सोनू मैं भी चलूंगी, मुझे भी पायल से माफी मांगनी है। और राजू कहीं देर ना हो जा। यार रघुनाथ ये मैंने क्या कर दिया, हमने अपने दोनों बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं अपनी इस गलती का पछतावा करूंगा। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे भाई, हम उन बच्चों को अलग नहीं करेंगे, उनके प्यार को हम समझ नहीं पाए। भाई वो तो घर पे भी ना है, 12 पे देखेंगे चल। क्यों ना? जब जान एक है तो जिस्म दो क्यों बनाए। कैसी तेरी खुदाई, घर करना था जुदा, पहचान क्यों कराई, करना था जुदा, पहचान क्यों कराई। मुझे मेरा चैन दे दो, सही जाए ना जुदाई, मेरा चैन दे दो, सही जाए ना जुदाई। करना अगर जुदा, पहचान क्यों कराई, करना अगर जुदा, पहचान क्यों कराई। दर रर दर 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 हर ख्वाब मेरा है अधूरा, तुमसे ही होगा पूरा, तुम बिन ना जी सकूंगा, बसी मन में बन के नूरा। घर करना था जुदा, पहचान क्यों कराई, करना था जुदा, पहचान क्यों कराई। चल रही है
एक मूरत बन गई हूँ, मेरी सांस चल रही है, एक मूरत बन गई हूँ। आ तोड़ दे ये दीवारे, कहीं दूर चले हम। मैं तो हूँ तेरा साया, मुझे तेरे संग ले चल। दो जिस्म मिटा कर हम एक जा बन जाएंगे, दो जिस्म मिटा कर हम एक जा बन जाएंगे। मिल सके मेरे दोस्त, चलो चलो चलो। यहाँ भी ना है भाई, तुम एक काम करो, वो ऐसे ना मिलने का है, हम अलग अलग ढूंढते हैं, जल्दी मिल जाएगा। हाँ तुम इधर जाओ, हम इधर जा रहे हैं। प्रदीप पायल, ओ प्रदीप पायल, प्रदीप तेरी बहन के मर गया। लटूरी तू इधर ढूंढ, मैं इधर ढूंढता हूँ। प्रदीप प्रदीप मेरे दोस्त, मिल जाएगा वो मेरा दोस्त, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उसके बिना, मैंने अपने दोस्त के साथ ही विश्वासघात किया। चलो उठो सोनू। प्रदीप लगता है अड़ में बहुत देर कर दी। ये सब क्या हो गया? जिन्होंने हमारी ये हालत करी है ना, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे याद रखेंगे। अरे अब के करेगा तू, बैठो मेरे साथ गाड़ी में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सोनू बेटा तू आ गया। महावीर, तू आज अपनी करनी का फल अपनी आंखों से देखेगा। तुम दोनों की खुशी इसी में थी ना कि हम दोनों खुश रहे, में तो हम दोनों ने खुशी खुशी आज एक फैसला करा है।
हम दोनों ने खुशी खुशी यह जहर पीने का फैसला किया है। अपनी दोस्ती पे लगे कलंक को मिटाने का और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। जब हम तड़प तड़प के मरेंगे ना, तो सहनाई बजाना, हमारी लाश पर बैठकर खूब हंसना, इतना तो कर ही सकते हो तुम दोनों। बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे हमारी गर्दन काट दे पर हमें यूं तिल तिल मत मार, हमें माफ कर दे बेटा, मत कर ऐसा। अपनी ये सजा तुमने खुद चुनी है, अब भुगतो। पापा मेरी चिंता मत करना, मैं ऊपर जाके बहुत खुश रहूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दे बेटा। ये दुनिया देख लेगी तुम दोनों ने अपनी औलाद को ये सब करने पर मजबूर करा है, और ये दुनिया हमारी दोस्ती की मिसाल को याद रखेगी। माफ कर दो बच्चों, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ये क्या कर रहे हम दोनों? प्रदीप मेरे दोस्त, तू जिंदा है? मेरे दोस्त तू ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, तुझे गलत समझ गया, मुझे माफ कर दे मेरे भाई। तू मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई भी है। प्रदीप बेटा हमें भी माफ कर दो, सोनू मीनू पायल हम बदनसीबों को माफ कर दो, हम माफी के लायक तो नहीं है। प्रदीप जो तुम्हारे साथ हुआ ये दोनों बराबर के गुनहगार है उसमें। बेटा हमें माफ कर दो, प्रदीप बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सोनू हमें माफ कर दो बेटा, हम अपनी झूठी शान के चक्कर में भूल गए थे कि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है, हम जबरदस्ती तुम पर अपनी खुशी थोपने चले थे, हमें माफ कर दो बेटा। बेटी हम अपनी अमीरी के चक्कर में तुम लोगों की सच्ची मोहब्बत को भूल गए बेटी, अंधे हो गए थे हम अंधे। तो रहो अपनी झूठी शान और शौकत में, अब मैं देखूंगा ये रुपया ये धन दौलत तुम्हारे किस काम की है, बहुत खुश रहना तुम, चलो पायल। नहीं सोनू, माँ बाप क्या होते हैं वो अपनी औलाद को कितना प्यार करते हैं तू नहीं समझ सकता। तेरे तो माँ बाप है ना, लेकिन उन्हें पता होता है कि इनका दुनिया में कोई नहीं होता। हमारे माता पिता हमारे माँ बाप बच्चों की खुशी की खातिर सब कुछ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन में क्या महत्व है। वो झूठ का सहारा लेकर ये सोचते हैं कि अपनी औलाद को खुश रख सके, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये लोग शायद हमें समझ नहीं पाए, पर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं मेरे भाई। पर प्रदीप परवर कुछ नहीं, थप्पड़ खाओ क्या? सोनू इन्होंने जो भी किया हमारी भलाई के लिए किया, इनका तो बस तरीका गलत था। देख यार सोनू, अंकल की आंखों में आंसू। सेठ जी तुमने इन दोनों को बचा के मेरी इज्जत पर कलंक लगने से बचा लिया। तो फिर मेरे भाई मैं आज एक गलती जरूर करूंगा। अरे अब कौन सी गलती करेगा तू, बता के करना है। अब लगाएंगे प्लान डी। अरे अब ये कहां गए? अंकल इसे ही तो कहें सौ सुनार की और एक लोहार की। हैप्पी एंडिंग। यस जाएगी मुझे दर्द ना सह पाऊंगी। जब तक
तक सांस चलेगी यूं ही प्यार करता रहूंगा। ले ले जन्म चाहे कितने भी हर जन्म तेरे साथ रहूंगा। सह पाऊंगी।